चीजों में अपन देखने वाले कॉमन मेडिसिन यूज होने वाले अपने लाइफ स्टाइल्स में। आप इसको कोई भी मेडिकल्स पे जाकर ले सकते हो, किसी ओवर द काउंटर ड्रग्स, आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लिखाए भी ले सकते हैं। इसके अंदर पहला है इसोमाप्रेजोल। इसोमाप्रेजोल ये एक एंटासिड होता है जो पेप्टिक अल्सर के लिए भी यूज़ किया जाता है और एसिडिटी को कम करता है। ये प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स होता है। दूसरी मेडिसिन है हेपरिंस। इंजेक्शंस आता है, ये एंटी कोगुलेंट्स होता है। एंटी बोले तो अपोजिट, कोगुलेंट बोलते हैं ब्लड को जमने नहीं देता है, ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करने का काम करता है। ज़्यादातर आपको हार्ट अटैक्स वगैरह में, स्ट्रोक वगैरह होता है पेशेंट का, उसमें यूज़ किया जाता है ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है हेपरिन इंजेक्शंस। तीसरा ड्रग्स है सिटालोपाम। ये है SSRI, सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स होता है। ये एंटी डिप्रेशंस में यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिटोपाम आता है 20 mg, आपको कोई भी जगह पर मेडिसिन मिल सकती है, कोई भी मेडिकल्स पर। ये डिप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है सिटालोपाम। इसके बाद है लिसिनोप्रिल्स। लिसिनोप्रिल ऐसी इनहिबिटर होता है, ऐसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, इनारोप्रिल, इनालाप्रिल्स और इनहिबिटर्स होता है। इसके अंदर ड्रग्स आते हैं। ये डिप्रेशंस के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई पेशेंट्स को ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।